किशोर चरण जी के जन्मदिन पर प्रिया प्रीतम आ रहे हैं निकुंज से और यहाँ प्रत्यक्ष में लीला करेंगे, वन विहार लीला, झूला लीला और छप्पन भोग लीला। ये तीन लीलाएं 108 कुटियों में होने जा रही हैं। श्री जी ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं, कृपा पूर्वक पधार रहे हैं और यहाँ पर उनकी वन विहार लीला होगी। गलबैया दिए 108 कुटियों में प्रिया प्रीतम विहार करेंगे और यहाँ विशेष कुटियों को सजाया जाएगा और ठाकुर जी इतना सुंदर वन विहार, जितने भी गेट बने हैं इन सब गेटों पर फलों से, फूलों से, लताओं से, सब्जियों से सजाया जाएगा। घिया, तोरई, बैंगन, कटहल, सेब, संतरा, केला आदि फलों से, सब्जियों से पूरा 108 कुटिया सजाई जाएंगी। जगह जगह तोरण बनेंगे, गेट लगेंगे, वो सब फलों से सजाए जाएंगे और प्रिया प्रीतम विहार करेंगे, फलों का भोग लगाएंगे और फिर फलों की लीला होगी। जैसे कि लड्डू मार होली होती है, ऐसी मान लो फलों की होली होगी। ठाकुर जी स्वयं भी ग्रहण करेंगे और अपना कृपा प्रसाद अधरामृत फलों के माध्यम से हम सब भक्तों को लुटाएंगे। बहुत सुंदर अवसर आप सब लोगों के पास, जो भी आना चाहे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं। आने से पहले अपने आने की सूचना अवश्य दें, कितने आ रहे हैं, और अपने साथ फल अवश्य लाएं। जो भी किशोरी चरण जी के जन्मदिन पे आए वो अपने साथ फल अवश्य लाएं। पूरी 108 कुटिया फलों से सजाई जाएंगी, फूलों से। प्रिया प्रीतम 108 कुटियों में विहार करेंगे, सुंदर बगीचा सजाया जाएगा फल फूलों से, सब्जियों से। और फिर ठाकुर जी वन विहार करते हुए झूला लीला करेंगे, सब झूला झुलाएंगे। झूला यही हाल में भी पड़ेगा और साथ में हिंडोला लीला भी होगी, फूल डोल लीला होगी, वन विहार लीला होगी, झूला लीला होगी, छप्पन भोग लीला होगी, ये सब। और बड़े सुंदर झूले के पद होंगे, गायन होगा, बड़ा आनंद आएगा संतों के, महापुरुषों के बीच में यह उत्सव। तो प्रिया प्रीतम आ रहे हैं अपने निकुंज वन से हम सब भक्तों को निहाल करने के लिए, अपने पावन दर्शन देने के लिए। 108 कुटियों में अब लीला प्रकट होने जा रही है। आप सब लोगों का स्वागत है। फिर कहना नहीं कि हमको पहले बताया नहीं कि ऐसा अवसर, ऐसा ये उत्सव होगा। जैसे पिछले वर्ष नौका विहार का उत्सव, जो नहीं आए वीडियो देख देख करके सब दुखी हुए, हाय हम क्यों नहीं आए, तो उससे भी कई गुना अधिक आनंद आने वाला है। नौका विहार, वन विहार लीला, फूल डोल लीला, झूला उत्सव, छप्पन भोग लीला और पद गायन और भी अनेक प्रकार के ठाकुर जी आकर के उत्सव मनाएंगे। हम सब भक्तों को अपने पावन दर्शन दे करके और अपना अधरामृत फलों के माध्यम से पान करा करके हम सब के जीवन में अपने प्रेम का रस वर्धन करेंगे, इसलिए सभी आए। अब आप पूछ रहे होंगे तारीख क्या है, तो बताएंगे 2 अगस्त।